बीते दिनों कुशीनगर के दुदही गांव में रेलवे क्रॉसिंग पर सवारी गाड़ी और एक स्कूली वैन में हुए दुर्घटना में मारे गए मासूमों की घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शनिवार को मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। परिषद के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को बंद किए जाने, डग्गा मार वाहनों पर तत्काल रोक लगाए जाने सहित कई अन्य मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के आकर्षण मिश्रा ने बताया, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, आकर्षण मिश्रा कुशीनगर का संगठन मंत्री हूँ, विद्यार्थी परिषद का। हमारी जो मांग है, कुशीनगर के दुदही में जो रेल दुर्घटना हुई है, मुझको लगता है आज पूरा देश वाकिफ है इस घटना से, और प्रशासन की, आरटीओ विभाग की इस तरह की लापरवाही का ये परिणाम है कि इस तरह से जो है वहां दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में इतने बच्चे मरे हैं। प्रबंधक करीम खान की लापरवाही है कि 17 साल के एक नाबालिग लड़के को उन्होंने गाड़ी दे दी और गाड़ी चालक के रूप में वो गाड़ी चला रहा था। और मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं उस गांव में गया था, गांव के लोगों ने मुझसे कहा दर्जन बार, कम से कम दर्जन बार प्रबंधक महोदय को ये कंप्लेन की गई, करीम खान को, डिवाइन मिशन स्कूल के प्रबंधक को, कि ये लापरवाह वाहन चालक है, लेकिन एक बार भी उनके कान में जू नहीं रेंगी। इसी प्रकार से प्रशासन की भी लापरवाही, घटना होने के बाद जब घटनाएं हो जाती हैं, परिवार मृत हो जाते हैं, उसके बाद ये सरकार, ये प्रशासन जो है हरकत में आता है। प्रशासन अपनी ये लापरवाही की जिम्मेदारी नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद यही धरने पे बैठी रहेगी और तब तक बैठी रहेगी जब तक कमिश्नर हाजिर नहीं होते, और कमिश्नर साहब के आने के बाद उनके विभाग और कार्यालय में बैठने वाले वो कर्मचारी जिन्होंने ये वक्तव्य इस्तेमाल किया है कि मौतें होती रहती हैं, उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी विद्यार्थी परिषद से और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं से और उन पीड़ित परिवार के लोगों से, वरना हम यूं ही यहां बैठे रहेंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।